जिंदगी आपको पता है ये बिल्कुल अजीब चीजों से भरी है, खराब एक्सीडेंट और कंफ्यूजन। देखो हम सब के साथ ऐसा होता है, चाहे आप दिन में जितनी भी परेशानियाँ झेलें, तो इस चीज से शांत हो जाएं। ये हर किसी के साथ ये सब होता है। ओह खास कर ये। हे हम सब सिर्फ इंसान हैं, तो बैठें आराम से और देखें कि ये रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। कभी अपनी रूममेट को बिना उठाए सुबह नाश्ता बनाने की कोशिश की है? बस एक छोटी मूव और ये बन जाता है एक मार्चिंग बैंड। देखो मैंने क्या कहा, ये तो बस गिरने वाला था। नहीं फ्राइंग पैन नहीं, वो चीज यहाँ किसने रखी? ओहो विकी मुझे बिल्कुल मार देगी अगर मैंने उसे छुट्टी वाले दिन जल्दी उठा दिया। प्लीज ये बंद करो, चलो भी प्लीज। ठीक है आखिरकार। वो कोई सच में बहुत गुस्सा है, पार्क में घूमना कोई भी खराब नहीं कर सकता। आउच, क्या मेरे जूते में पत्थर है? ये कैसे हो सकता है? वो ये तो आपके जूतों में पत्थर होने से बहुत ज्यादा है। हे भगवान, क्या तुमने इन टेनिस में हिल साइड इकट्ठी कर ली है? ठीक है ये बस पागलपन है। तुम जूतों को कौन सा साइज पहनती हो विकी? वैसे तुम्हें ये करना होगा, अगली बार मैं साइड वॉक के रास्ते से जाऊंगी। ये वीडियोस बहुत एडिक्टिंग है, ये एक ही रो में मेरी चौथी है। मेरे बाज में थक गए हैं, मैं इसे यहाँ रखूंगी और देखूंगी। हे ओ, ये रुक क्यों नहीं रही? सच में ये किताब काम करेगी? चलो भी, अगर आपने हाथों के बिना फोन पर वीडियो देखने की कोशिश की है तो आपको पता है कि ये कितना मुश्किल है। वो ये एक छोटे से फोन के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं। ओह मैं बस एक वीडियो देखना चाहती हूँ। ठीक है चलो यहाँ देखते हैं, ये चीजें काम करेंगी। ओह ये पानी भारी है। ठीक है चलो दही यहाँ रखते है और ये बड़ा पानी का जग यहाँ। ठीक है अब करते हैं बात। ओहो सोफिया मुझे बहुत हंसाती है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। हो गया मैं ऑनलाइन फोन स्टैंड खरीदूंगी। स्टार्ट। मानो या ना मानो टेक्सटिंग करना एक आर्ट है और एक पूरी कहानी एक्सप्लेन करना स्मार्टफोन पे फीट है, लेकिन सबसे बेहतर हिस्सा अपनी दोस्त का उस पर रिस्पॉन्ड करने का इंतजार करना। ओह चलो भी दोस्त, तुम्हें कितनी देर लग रही है उसे पढ़ने में? ठीक है हेली मुझे पता है तुम फोन पर हो। हे भगवान मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्रिसमस तक? वो ये रहा, सच में इतनी देर में? तुम बस यही कहना चाहती हो? ठीक है वो अपनी इस आलस से बच नहीं सकती, मैं उसके घर जा रही हूँ और उसे बताऊंगी कि ये सही नहीं है। वाओ विकी सच में कैब में बैठ गई, वो उस पर बरसने वाली है। यहाँ हूँ मैं। क्या तुम्हें दरवाजा खोलने में भी उतना ही समय लगता है जितना टेक्स्ट करने में? विकी कैसी हो, क्या चल रहा है? ये चल रहा है, मैंने तुम्हें ये कहानी सुनाते हुए इतना समय लिया। मुझे पता है मुझे कुछ इमोजीज लगानी चाहिए थी। इस तरह के दिनों में कुछ भी अच्छा नहीं लगता बजाय अपने पेट को फ्राइज और बड़े जूसी बर्गर से भरने के। ओहो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है अब वक्त है असलियत में वापस आने का। ओहो मैंने शायद कुछ ज्यादा खा लिया, मुझे ऐसे लगता है मैं फटने वाली हूँ। कोई ध्यान नहीं देगा अगर मैं ये ऊपर वाले बटन खोल लूँ, है ना? ये बहुत बेहतर है। ओह मुझे नीचे जाना होगा, अपना मुँह भरना एक अच्छा आइडिया था, लेकिन अब जीन्स फिट नहीं होगी। शूट मुझे 10 मिनट में क्लास में पहुंचना है, लेकिन मैं इसे ऊपर नहीं चढ़ा पा रही। उफ, चलो भी। ठीक है हो गया, अब मैं कभी फ्राइज नहीं खाऊंगी, वैसे इस हफ्ता तो बिल्कुल नहीं। हैप्पी बर्थडे ओलिविया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ओ ये बहुत बुरा है कि आजकल मीठा नहीं खाना। वो मिक्स्ड ग्रीन्स लेकर आओ बेबी, मुझे जन्मदिन मुबारक हो।
इसका टेस्ट तो बिल्कुल चॉकलेट जैसा है। अगर चॉकलेट का टेस्ट ये सूखा और कड़वा होता है तो ये मेरा सबसे बुरा बर्थडे है। केक का स्वाद कैसा है लड़कियों, मुझे बताओ, ये बुरा है। देखो, किसी ने नहीं कहा था कि हेल्दी खाना आसान होता है। वो ये पियर कितना पुराना है, मैंने इसे खरीदा कब था। पियर्स की बदबू बगलों जैसे कब से हो गयी। 26, 27, वर्कआउट करना बहुत मुश्किल है। क्या ये डोनट है या मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि मुझे खाना दिख रहा है। अपने सेट अप्स खत्म करो ओलिविया, टेस्टी ट्रीट्स यहीं पर है। पैकिंग टेप, एक चीज जो बहुत सारी चीजें ठीक कर सकती है। हे एमिली, क्या तुम्हें टेप का कोना ढूंढने में मुश्किल हो रही है। ऐसा लगता है स्क्रैचिंग ने काम नहीं किया। क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। क्या ये टेप भी है। ठीक है, मैं इसे पूरी रात से कर रही हूँ, मुझे इसे ढूंढना होगा। शायद मुझे ग्लासेस चाहिए हो, नहीं बाथरूम की लाइट मदद नहीं कर रही। एमिली, तुम्हारा पानी। वैसे टेप थोड़ा वक्त लेगी, आपको उसे अपनी पूरी जिंदगी नहीं देनी चाहिए। टैंक, ये गलत है। हाँ, मुझे मिल गया। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आखिरकार सुबह काम कर करके छत पर एक लंच ब्रेक। ओह मेरे भगवान, क्या तुमने वो व्यू देखा। वो व्यू, ओ हाँ, हमने वो देखा। ओहो, क्या उसने हमें देखा। मैंने सारा समय मेकअप नहीं कर रखा। चलो हम जल्दी से कर लेते हैं। कभी कभी एक हॉटी को देखकर लगता है कि ग्लो अप कर लेना चाहिए। अपने बालों में फ्लफ लाने के लिए और फिर जल्दी से लिपस्टिक लगाकर टच अप कर ले। वो एमिली बढ़िया है। कभी कभी थोड़े से बदलाव लाकर आप अपने आप को बहुत ही सुंदर दिखा सकते हैं। ठीक है लेडीज, क्या हम तैयार हैं? क्या ये वही लड़कियां हैं? कोई मॉडलिंग स्काउट को बुलाओ, क्योंकि ये लड़कियां वही कर रही है। स्लोमो में चलने का मतलब अपनी सुंदरता को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देना। और फिर यहाँ है हेयर फ्लिप। हाँ एमिली, हाँ, अपने दांतों से होठों को दबाया। दोस्तों, हम अब बहुत देर से चल रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उस प्यारी लड़की को ये अजीब लगेगा। अपने फोन को अपने बेड पर लाने का मतलब है कि आप अपने दोस्तों के साथ सुबह तक लगे रहते हैं। शूट, मेरा जूस खत्म हो गया है, लेकिन ओलिविया ने मुझे अभी तक नहीं बताया कि उसकी डेट कैसी थी। ठीक है, पहले मैं यहाँ से चार्जर ले लूं। हे भगवान, ये ड्रॉर तो मैरी पॉपिंस के पर्स से भी ज्यादा गहरा है। ठीक है, मिल गया। ठीक है, चलो इसे प्लग कर देते हैं। पहले मैं अपने आउटलेट तक पहुँच जाऊँ और अपने फोन को आउटलेट में प्लग करना रात को इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। वैसे क्योंकि तुम वहाँ देख ही नहीं रही। सच में इसके सब क्या हो गया है। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो लड़की नीचे गई। आउच, क्या आप अभी भी इंसानों की तरह महसूस कर रहे हैं। अगर आपको ये रिलेटेबल सिचुएशन काफी नहीं लगी तो आपको इन मजेदार ब्लूपर्स में कुछ ऐसे सीन मिल जाएंगे और आपको ऐसी ही और मजेदार वीडियोस मिलेंगी। बस 1 2 3 गो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मजाकिया क्लिप्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।